हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तिरुपति एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी कोटा के कट ऑफ के रिगार्डिंग। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ट्रिपल आईटी कोटा के 2022 का कट ऑफ क्या रहा था, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, साथ में जोसा का कट ऑफ क्या रहा था, सीसेप का कट ऑफ क्या रहा था, लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या रहा था, डिटेल में बातें करेंगे बच्चों। इतना ही नहीं, इसके बाद हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इसे भी जानेंगे। इसके बाद जाके फी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल आईटी कोटा एज वेल एज प्लेसमेंट यहाँ का कैसा है इसे भी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के ट्रिपल आईटी कोटा के कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, सारे डाउट इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक तक। लेकिन एक आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को देखना है तो बिना स्किप किए देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी बच्चों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगा। अगर आप लोग स्किप करोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस आउट कर दो, फिर जाकर आधी अधूरी जानकारी होगी जो कि आपको नुकसान देगी, ठीक है। सो वीडियो नहीं देखना है तभी बंद कर सकते हो, अगर देख ही रहे हो तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना बिना स्किप के, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल आईटी कोटा कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है इसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग फी स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट हम लोग प्लेसमेंट देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल आईटी कोटा कट ऑफ 2022, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि कुछ बातें आपको जाननी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इधर मैंने जोसा के राउंड 6 का कट ऑफ लिखा हुआ है, इधर मैंने सीसेप के सेकंड राउंड का कट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। जब काउंसलिंग होता है तो पहले आप लोग का जोसा काउंसलिंग होता है, जोसा में 6 राउंड होते हैं, उसके बाद जाकर के जितने भी नंबर ऑफ सीट्स ट्रिपल आईटीज में, एनआईटीज में और जेएफटीआईज में वैकेंट रह जाते हैं, उनके लिए सीसेप काउंसलिंग करवाया जाता है और सीसेप काउंसलिंग में 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। साथ में जाकर जोसा में आप लोगों का कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है, लेकिन सीसेप में आप लोगों का सीआरआई रैंक कंसीडर होता है, ठीक है। इट मींस बच्चों, ये आप लोगों का ईडब्ल्यूएस रैंक है, यूबीसी रैंक है, एससी रैंक है और एसटी रैंक है, और जनरल वाले बच्चों के पास सिर्फ 1 रैंक होता है जिसे हम लोग सीआरआई रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन सारे बात को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रिपल आईटी अलाहाबाद के कट ऑफ वाले वीडियो में। देखो स्टूडेंट, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ट्रिपल आईटीज के कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो डाला हुआ है, लेकिन कोई और देखो या ना देखो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ट्रिपल आईटी अलाहाबाद के कट ऑफ वाले वीडियो जरूर देखना, मेरा पर्सनल सजेशन है, काफी सारे डाउट वहां से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। बाकी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जोसा के राउंड 6 का कट ऑफ लिखा हुआ है, साथ में हमारा कैटेगरी रैंक है, इधर हमारा सीसेप के सेकंड राउंड का कट ऑफ लिखा हुआ है और ये हमारा सीआरआई रैंक है, ठीक है ना। अब बिना टाइम वेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, ट्रिपल आईटी कोटा में सिर्फ 2 ब्रांच देखने को मिलता है, पहला हमारा सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा हमारा ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है बच्चों। अब 2022 का कट ऑफ की बात करेंगे, सो हमारा सीएसई ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो था हमारा 20,518, ईसी में जो गया था वो था हमारा 26,914, ठीक है ना। अब ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा अपना ईडब्ल्यूएस रैंक देखेगा, सीसी ब्रांच के लिए जो कट ऑफ गया था वो था आप लोगों का 3,299 गया था और ईसी के लिए 4,362 गया था, ठीक है ना। ओबीसी वाला बच्चा अपना ओबीसी रैंक देखेगा, कट ऑफ जो गया था 2022 में सीएससी ब्रांच जो मिल रहा था ओबीसी वाले बच्चों को वो रैंक था 7,528 और ईसी के लिए 10,300 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है बच्चों। एससी वाला बच्चा अपना एससी रैंक देखेगा, कट ऑफ जो गया था सीएससी ब्रांच के लिए वो था 4,861 और ईसी मिल रहा था 6,765 पे, ठीक है। एसटी कैटेगरी वाला बच्चा अपना एसटी रैंक देखेगा, कट ऑफ जो गया था सीएससी ब्रांच का वो था स्टूडेंट 1,938 और ईसी ब्रांच के लिए 2,544, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बात किया है जोसा के राउंड 6 का कट ऑफ, अब बात करते हैं सीसेप के सेकंड राउंड का कट ऑफ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं सीसेप के सेकंड राउंड का कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि सभी के सभी आपका सीआरआई रैंक है, ठीक है ना। यहाँ पे कैटेगरी रैंक नहीं है, कैटेगरी रैंक यहाँ पे कंसीडर ही नहीं होता है। इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ट्रिपल आईटी अलाहाबाद वाले वीडियो में, उसे चेकआउट कर लेना अगर डाउट आ रहे हैं तो, ठीक है। देखो बच्चों, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच जो मिल रहा था सीसेप के सेकंड राउंड में वो रैंक था 22,155 और इसी मिल रहा था 31,644 रैंक तक में, ठीक है ना। अब ईडब्ल्यूएस वाले की बात करेंगे तो ये भी आप लोगों का सीआरआई रैंक ही है, तो कट ऑफ किया था 27,539 और सीएससी ब्रांच और इसी ब्रांच में रहा था 39,934 रैंक तक में, ठीक है ना। ओबीसी के कट ऑफ की बात करेंगे तो बच्चों सीएससी ब्रांच में रहा था 29,322 रैंक तक में और इसी ब्रांच में रहा था 39,699 रैंक तक में, ठीक है ना। एससी की बात करेंगे तो देखो सीसेप के राउंड 1 का कट ऑफ लिखा हुआ है, राउंड 2 का अवेलेबल नहीं है
ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा क्यों है बच्चों, तो होता क्या है कुछ सीट जो है वो फर्स्ट राउंड में ही फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था सीएससी ब्रांच के लिए सीसर के फर्स्ट राउंड में वो था हमारा 1,05,202 और ईसी के लिए गया था 1,33,256, ठीक है ना। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे सीएससी ब्रांच मिल रहा था सीसर के सेकंड राउंड में 1,58,493 रैंक तक में और इसी ब्रांच मिल रहा था 1,98,960 रैंक तक में। ये हमारा राउंड वन का कट ऑफ है, ठीक है। तो देखो बच्चों लगभग लगभग 2,00,000 रैंक तक में आप लोगों को एसटी कैटेगरी में ट्रिपल आईटी कोटा मिल रहा था, ठीक है। तो यहां तक डाउट क्लियर हो गया है, अब एक काम करो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग बाद में भी देख सको। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो वैसे तो जोसा काउंसलिंग में जो होता है वो ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जिस रैंक पे लास्ट ईयर एडमिशन हो रहा था उस रैंक पे इस ईयर भी एडमिशन हो जाएगा, तो बच्चों इसे आप लोग सेफ रैंक भी कह सकते हो, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे सो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़े से ज्यादा है तो आप लोग को थोड़े से वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड है बच्चों की 600 से लेकर 700 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट ईयर सीएससी ब्रांच जनरल वाले बच्चों को मिल रहा था 20,580 रैंक तक में, तो इसी अगर आप लोगों का 19,800 रैंक तक होगा तो 100% एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना, जोसा के राउंड 6 तक में। बाकी अगर इतना रैंक है कैटेगरी वाइज तब भी 100% एडमिशन मिल जाएगा, हो सकता है कि सीसर तक बात जाए, ठीक है, एडमिशन मिल जाएगा, तो इसे आप लोग सेफ रैंक भी कह सकते हो। और 600 से लेकर 700 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक साइड आउट क्लियर हो गया होगा, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन उस सभी से पहले बच्चों आप लोगों के लिए इस चैनल पे ऑलमोस्ट सारे एनआईटीज और सारे ट्रिपल आईटीज का रिव्यू के रिगार्डिंग भी वीडियो डाला हुआ है, साथ में कट ऑफ के रिगार्डिंग भी वीडियो डाला हुआ है। और इसी तरीके से अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक के काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख के सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, सभी का अपना पर्सनलाइज डाउट होते हैं, क्वेरी होता है, सभी का अलग रैंक है, सभी का डिमांड भी अलग होता है, किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए तो किसी को अच्छा ब्रांच, ठीक है। तो वो सारे डाउट कैसे क्लियर होगा, पर्सनली अगर कोई गाइड करेगा तभी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों सभी के लिए हम लोग अपना पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट का, उस पर क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाकर बच्चों आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जाकर के अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक के सारे क्वेरी वगैरह वहीं पे हमारे टीम मेंबर आपका क्लियर कर रहे होंगे। साथ में बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज काउंसलिंग भी करवाई जाएगी और 100% बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस होता है बच्चों, देखो बच्चों 4 to 5 years से काउंसलिंग करवा रहे हैं। तिरुपति अकेडमी का स्टूडेंट आप लोगों को हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे आईआईटी बॉम्बे की बात कर लो या फिर हर एक आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में। साथ में बच्चों स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर टर्न बच्चों, अगर आप लोग सेकंड टर्म के रिजल्ट के बाद देख रहे हो जल्दी से बाय कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस कम होता है बाद में प्राइस बढ़ जाता है। और अगर बच्चों आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम के बाद देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे भी ज्वाइन हो जाना ताकि जैसे ही लॉन्च करें वैसे ही बाय कर लेना, क्योंकि बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। अगर बच्चों का बाय कर लोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बाय कर लेना। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के बारे में। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल आईटी कोटा के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा उसमें वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट जो है वो है 10,000 रुपीज, वन टाइम फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 12,125 रुपीज, ट्यूशन फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 85,000 रुपीज, अदर फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 18,000 रुपीज, एनुअल फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 800 रुपीज। इट मीन्स स्टूडेंट कि जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा वो अमाउंट है 1,25,925 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट आप सभी को हॉस्टल फी भी पे करना होगा, तो हॉस्टल फी में वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट जो है वो है 15,000 रुपीज, हॉस्टल सीट रेंट जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 6,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पे करने होंगे पर सेमेस्टर का वो भी अमाउंट है 6,000 रुपीज, अदर फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 1,000 रुपीज़, और मैथ्स का जो फी पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है
20,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, इट मीन्स स्टूडेंट कि आप सभी को जो टोटल हॉस्टल फी पे करना होगा वो अमाउंट है 48,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ट्रिपल आई टी कोटा में आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाता है, उस लेवल का स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको एन आई टीज में देखने को मिलता है, ठीक है ना। बट फिर भी जा करके यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है उसमें यह है कि अगर आप लोग एस सी एस टी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो उस केस में आपका 20% ट्यूशन फी ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो है क्या कि एन आई टीज में तो 100% ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है इन स्टूडेंट के लिए, लेकिन काफ़ी सारे ट्रिपल आई टीज में तो बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं है, तो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिपल आई टी कोटा में आपका ट्यूशन फी ऑफ होगा, सिर्फ 20% ट्यूशन फी ऑफ होगा, ठीक है ना। वो भी किसके लिए? एस सी एस टी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए, बाकी सभी को टोटल फी पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है इंस्टीट्यूट फी के रिगार्डिंग, हॉस्टल फी के रिगार्डिंग और साथ में स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ ट्रिपल आई टी कोटा के रिगार्डिंग। देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वैसे तो हमारा ट्रिपल आई टी कोटा एक नया कॉलेज ही है, 2013 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, बट इसने अपने प्लेसमेंट को काफ़ी बढ़िया इंप्रूव किया है, ठीक है ना। 2022 का अगर प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, साथ में ब्रांच वाइज की अगर बात करेंगे तो सी एस सी में 94.85% स्टूडेंट प्लेस होते हैं और ई सी में 80.95% स्टूडेंट प्लेस होते हैं, ठीक है ना। एवरेज पैकेज जो ऑफर किया गया है 2022 में वो है आप सभी का 15.59 लाख पर एनम फॉर सी एस सी और 12.86 लाख पर एनम फॉर ई सी ब्रांच, ठीक है स्टूडेंट। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया है 2022 में वो है आप सभी का 82 लाख पर एनम का सी एस सी के लिए और ई सी का गया हुआ है 63 लाख पर एनम का, ठीक है ना। पास रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो सारी कंपनी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ओयो हो, इन्फोसिस हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी कंपनी ऑलमोस्ट विजिट करती है। अगर आपके अंदर स्किल है देन डेफिनेटली यू विल गॉट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम ट्रिपल आई टी कोटा ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, हमने फीस स्ट्रक्चर प्लेसमेंट को भी कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस कर लो, ये चैनल आप लोगों के जन्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है, ठीक है ना। कोई फीडबैक देना है वो भी बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।